सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ. माई सेल्फ राकेश शर्मा. आई डन माई इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT गाजियाबाद. सॉरी मार्कशीट मैं आज लाना भूल गया, लेकिन मैं आपको शाम तक ईमेल कर दूंगा. ओके. सो व्हाट डू यू लाइक राकेश? मेजरली थर्मोडायनेमिक्स, बट आई ऑल्सो लव मैथमेटिक्स. या क्या हुआ? सी आई थिंक यू आर अ नाइस गाय, बट तुम ना बहुत वो हो, क्या कहते हैं उसे, तुम ना बहुत अजीब हो. है अजीब? अच्छा मैं समझ गया, तुम ये अरेंज मैरिज वाले सेटअप में थोड़ा नर्वस हो रही हो, इसलिए तुम बोलना चाहती हो स्मार्ट और पढ़ा लिखा, लेकिन तुम्हारे मुंह से निकल रहा है अजीब. समझ गया मैं, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, नर्वस मत हो. क्या हो गया, टेंशन क्यों ले रही हो? अरे मैं तुम्हें रानी बना के रखूंगा. 4.5 लाख का पैकेज है तुम्हारा. हाँ पर पापा ने भी तो मोटा कमा रखा है, गाड़ी है, घर है, और अंदर की बात बताऊं, मेरे ना बड़े भाई की डेथ भी हो गई है, तो सारा कुछ ही मेरा ही है, इकलौता. लुक ऑनेस्टली आई थिंक आई लव यू, आई लव यू वेरी मच. कुछ भी कहोगी ना तो 10 बार सोचना पहले. मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए बने, तुम ही मेरी सोलमेट हो. देखो है ना अजीब, इससे पहले हमने सिर्फ एक बार बात की है, वो भी व्हाट्सएप पे, और तुम्हें मुझसे प्यार हो गया. हाँ मैं तुम्हारी सोलमेट हो गई. तुम हो ही इतनी सुंदर, कोई भी आशिक बन जाए. किसी किताब में पढ़ा था, हम वैसे ही बनते हैं जैसी हम कंपनी चूज करते हैं. और बचपन से ही मेरे साथ के लौंडे अपनी कजन बहनों से भी सही से बात नहीं कर पाते थे, तो किसी और लड़की से तो क्या ही. रेनुका परफॉर्मेंस देखी थी तेरी, स्टेज पर मिट्टी का तेल लेके गई थी क्या, आग लगा दी बैंड से. बदतमीज. इन हवस से लैस दरिंदों के बीच शायद एक मैं ही था जिसे प्यार का मतलब पता था. मेरी बचपन से बस एक ही ख्वाहिश थी, शादी करूंगा तो सुंदर लड़की से करूंगा. इनफैक्ट स्कूल में एक मिली भी थी, लेकिन तेरे बस की ना है तो तेरी तरफ से मैं बोलूं कि शुभ दिन है. हाँ हाँ वो मैं जल्दी जल्दी में ब्रश करना भी भूल गया. तू अच्छा दिख रहा है, ठीक है तू जा और तू उसे कुछ ऐसा कह दियो कि मैं उसे हीरा लगूं एकदम अक्षय कुमार की तरह, और कोई बढ़िया सा डायलॉग मार दियो. अक्षय कुमार का डायलॉग मारना है, ठीक है. राकेश ने भेजा है मुझे, वो कह रहा है कि हीरोगिरी फूफू करने में नहीं पैर देने में. अक्षय कुमार से कम नहीं है लौंडा अपना, और वो तुम्हें पैर गिफ्ट करना चाहता है. लाओ उससे पूछवा देता हूँ, चाहता है ना राकेश? हाँ चाहता हूँ. मेरा पहला प्यार जिसे मैं अपनी माँ बहन से मिलाना चाहता था, उसी ने पूरे स्कूल के सामने मेरी माँ बहन एक कर दी. और उसके बाद रिजेक्शन का डर ऐसा बैठा कि फिर कभी गर्लफ्रेंड बना ही नहीं पाया. ऑल्दो कुछ साल बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में धैया भैया ने ऐसी बात बताई कि अंधे को आंख मिलने की उम्मीद फिर से चक गई. चाहे थारी कितनी भुंडी से भुंडी सकल हो, पर अगर थारा पैकेज लग गया ना तो सुथरी से सुथरी छोरी के माँ बाप नाक रगड़ेंगे थारे आगे ब्याह करण को. गाड़ी और पैसा मिलेगा वो अलग,
और कहेंगे जाओ दामाद जी जितना मर्जी उतना सेक्स करो। पर धैया भैया ने ये तो कभी बताया ही नहीं कि हमारे कॉलेज से प्लेसमेंट सिर्फ 2-4 बच्चों की ही होती है। चार ही बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है बस। फिर किसी को इम्प्रेस कर सके ऐसी पर्सनालिटी तो कभी डेवलप हो ही नहीं पाई। बाकी नौकरी भी गिरते पड़ते सोर्स से पापा ने लगवाई। दुनिया कहती है शर्मा जी के बेटे को देखो, शर्मा जी के बेटे को देखो, पर ससुराल जिसे दिखाओ वही कह देता है क्या देखे इसमें, क्या है क्या इसमें। बस कर दो, क्यों उसके पीछे पड़े रहते हो। 28 का हो गया और लास्ट एक साल में 11 लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी हैं। अब तो भगवान ही जानता है कब होगी इस शर्मा जी की शादी। ये डाइनिंग टेबल खरीदा ही क्यों है जब इस पे बैठ के खाना नहीं खाना। मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। ओहो, इच्छाधारी, बड़ी मुश्किल से एक लड़की ने हाँ बोली है और तू बिता रहा है। देखना। वैसे इतनी भी कोई बुरी नहीं है बेटा, रंग पक्का है थोड़ा सा बस। अंधे को लाठी और कुत्ते को रोटी, जैसे भी मिले झपट लेनी चाहिए। यार कम से कम आप दोनों तो सपोर्ट कर दो, मुझे सुंदर लड़की चाहिए, सुंदर। ये कहाँ से सुंदर है, ये अच्छी लगेगी मेरे साथ। ओहो, तू तो बड़ा रणवीर कपूर है, कि तुझे दीपिका मिलेगी। दीपिका नहीं, आलिया। वो सब एक ही बात है, मुद्दा ये है कि ये लड़की साक्षात माँ लक्ष्मी का रूप। हाँ पापा, आपको तो लक्ष्मी दिख रही होगी इसमें। जरा से दहेज के पीछे ना मेरी जिंदगी बर्बाद कर देना आप, सही है। ओए, तो मैं जरा सा डांट कर देता हूं, तू मेरे बारे में ऐसा सोचने लगे। तेरी इकलौती औलाद है तू, इस जरा से दहेज के चक्कर में तेरी जिंदगी खराब नहीं करूंगा। पापा सॉरी। तूने 50 लाख दे रहे बेटा, एक ब्रीजा ऑटोमेटिक। आप नहीं सुधरोगे, सुधर ही नहीं सकते। तेरे बारे में तो सोच रहा हूँ। अरे वो गुड़गांव वाला फ्लैट लेने का नहीं लेना, 50 ही कम पड़ रहे हैं उसमें। लेकिन दादू, चाची को एटलीस्ट जानवी के टक्कर की तो चाची चाहिए। बदतमीज, अपनी माँ का नाम लेता है। लो सुन लो, मुझे तो पहले ही पता था, अगर घर की विधवा बहुएं देवरों के सामने ऐसे गहरे गहरे ब्लाउज डालकर घूमेगी, देवरों का मन तो मचलेगा ही। अम्मा क्या बोलती हो आप, थोड़ा देख तो लो, वो सामने खड़ी। भैया के बाद मैं थोड़ा बहुत बस हालचाल पूछने के लिए बात कर लेता हूँ, आप तो। एक मिनट, ये लड़की वालों का फोन है और मैं उन्हें हाँ बोलने जा। नहीं, पापा प्लीज। हेलो जी शुक्ला जी, देखिए भाई हमें लड़की पसंद है? लेकिन अच्छा राधे राधे। करेंगे स्वयंवर। अरे लड़की ने तुझे ही रिजेक्ट कर दिया। अच्छी लगनी चाहिए साथ में, अच्छी लगनी। इसने रिजेक्ट कर दिया है। अरे इस साली में किस चीज का एटीट्यूड है भाई। लो मेरी बात कराओ, मैं कौन कौन है। कर बात कर। नहीं ठीक, सॉरी जी जी। हां जी हां जी, पक्का राधे राधे। अरे अच्छा वो मना कर दिया, मेरी फ्रेंड है ना नीतू गुड़गांव वाली, अरे उस अभी उसी का कॉल था, उसकी लड़की को तो पसंद आ गया। जरूर कोई नशा करती होगी। अरे तुम चुप करो ना, व्हाट्सएप किया तुझे फोटो है? देख ले। इसी वीकेंड मिलने बुलाया है, और अम्मा लड़की तो इतनी सुंदर है मैं आपको क्या बताऊं। मेरा मन कह रहा है कि यहाँ बात बन जाएगी, क्यों रे जानवी। मन ने तो मेरे भी कहा था उस रात कि ये आज मेरे लिए फूल लेकर आएंगे, पर देखो 5 साल हो गए, अब रोज मैं इनके लिए फूल लेकर आती हूँ। बेटा तुझसे कितनी बार कहा है कि हर समय मनहूस बातें नहीं करते, सबका मूड खराब करके रख देती है।
बाद में तो नहीं फंस रहा ना बेटा? परफेक्ट। हो गई रेडी? जी मम्मा। बेटा आज तेरी न्यू लाइफ स्टार्ट होने वाली है, और आज तक तूने जो भी कांड किया ना वो हम भी भूल जाते हैं और तू भी भूल जा। हाँ, राकेश वेल सेटल लड़का है और शरीफ, इतना शरीफ है, तेरी मुट्ठी में रहेगा हमेशा। जी मम्मा। जी जी मत कर, जीप काट लेनी मैंने तेरी, और अगर उनके सामने कुछ भी उल्टा सीधा बोला ना तो तुम्हें। मम्मी आप क्यों इतना सेंटी हो रहे हो? वो कह तो रही है उन्हें करनी है शादी। आप परेशान मत हो, ठीक है, मैं कुछ भी होगा तो संभाल लूंगी, और मैं बस एक घंटे में वापस आती हूँ क्लिनिक से। कम से कम आज तो छुट्टी ले लेती, आज तो ऑफ ले लेती तू। मम्मी मेरे ऑफ के चक्कर में पेशेंट ऑफ हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय। डोंट वरी मम्मा, कुछ गलत नहीं होगा, आप तो मुझे जानती है ना। कोठी तो बहुत बढ़िया है इनकी। इनके लड़का नहीं है ना कोई? चाचू पानी के लिए पूछे ना तो मना कर देना, वरना लास्ट टाइम के तरह मैं आई गो टू टॉयलेट, मैं आई गो टू टॉयलेट करते रह जाओगे। क्या मामला आपका से बाहर लग रहा है वेंचो? मेरी माने तो यहीं से वापस सो लेते हैं, क्यों पूरे परिवार का जुलूस निकालना वेंचो? मम्मी आपने क्यों बुलाया इनको? इनकी जगह पे अभी दादी आती तो कम से कम खानदानी लगते हम। ये बिना मतलब इन्हें बुला के खड़ा कर लिया यहाँ पे। बेटा ऐसे मौकों पे अगर दोस्त साथ हो ना तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। आंटी जी ये तो कम से कम 1100-1200 गज में फार्म है, ये की छोड़ तो किसी आईवाईएस के जाओगी यहाँ ना बने इसकी बात। 1.5 लाख गज का रेट चल रहा है उस हिसाब से तो। अबे तू यहाँ रजिस्ट्री कराना है इसकी, तू रजिस्ट्री कराना है इसकी। ये अपना डीलर पना ना बाहर रख के पैर अंदर रखियो अपना। जैसा राकेश खुद है वैसे इसके दोस्त है, बचपन से पीछा ना छोड़ रहे शादी तक। तब तक फोटो तो ले लूं मकान की। हटो आगे, तटो गोलू आगे, तट मत कर यार, अंकल आगे तटो, सारे आगे तट जाओ सारे। भाई मान जा यार, बेचने ये हमारे मकान की फोटो क्यों ले रहे? इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे इनके। अपनी बेटी के इरादे पता है ना आपको, इसलिए चुपचाप से हाथ जोड़ो और स्वागत करो। नमस्ते, नमस्ते, वेलकम, वेलकम बेटा। और जानवी बेटा कैसे हो? मम्मी पापा कैसे हैं? वो तो एक्सपायर कर गए 6 साल पहले, स्कूटी से जा रहे थे दोनों, कोई ट्रक वाला चढ़ा गया, सड़क पर अंतड़ियां गुर्दे ऐसे बिखरे पड़े थे जैसे ठेले से गिरे प्याज टमाटर। बस बस बेटा बस, कहाँ तुम पुरानी बातें लेके बैठ गई हो। बताओ बहन चो, भरी जवानी में ही आंखें गीली कर रही है जबकि इसको तो कच्ची। भाभी जी आपका घर बहुत सुंदर है, बिल्कुल आपकी तरह। हाँ तो बेटा आप कौन सी कंपनी में हो? अंकल मैं वो इंफोसिस में। फिर तो पैकेज कोई 3-3.5 का ही होगा बस। अरे नहीं नहीं अंकल क्या बात कर रहे हो, 4.5 है पूरा। अरे आंटी अंकल आप ऐसे टेंशन मत लो, मैं कमाई का मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जॉब के अलावा ना मैं बिनोमो पे भी ट्रेडिंग करके पैसे कमाता हूँ। ये क्या है बेटा? आंटी बिनोमो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सकते हो। कहीं से कोई कोर्स किया था क्या इसका? अरे नहीं नहीं अंकल, बिनोमो में ही आपको वो डेमो अकाउंट देते हैं पहले सीखने के लिए, स्किल डेवलप करने के लिए, उसके बाद फिर रियल अकाउंट से जाके आप प्रॉफिट कमाओ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ ना, जैसे यहाँ मैंने पैसे डिपॉजिट किए, अब मेरे हिसाब से मैंने जो प्रिडिक्शन की ग्राफ ऊपर जाएगा, ये लो बन गया प्रॉफिट। अब इन पैसों को मैं कभी भी विड्रॉ कर सकता हूँ और कोई भी कमा सकता है इससे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां से डाउनलोड करके, तो कमाई की टेंशन नहीं है। अब लड़की का बताओ।
नीतु जाओ सुनैना को ले आओ। लो खुद ही आ गई। बस कर, हाइमन टूट जाएगा उसका भैंचो। तोड़ के तो इसका रिजॉर्ट भी बना सके, मोटा किराया आएगा। नमस्ते अंकल जी, नमस्ते आंटी जी, माई सेल्फ तेजिंदर यादव उर्फ तेजी। प्रॉपर्टी का मोटा काम है अपना गुड़गांव में, कभी कोई प्रॉपर्टी चाहिए हो तो बताना, और अगर ये घर भी बिकवाना हो ना तो बता देना, वैसे तो मैंने स्टेटस लगा ही दिया है। ला भाई गोलू गोदी में। So, you're an engineer, huh? Huh? निकल गया जिन बॉटल से बाहर। जी कहाँ से किया? जी वो आईआईटी। ओह आईआईटी। नहीं नहीं अरे आप गलत समझ रहे हो, वो वाला नहीं, मेरा वाला वो है इंद्रानी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकली अपना गाजियाबाद। वही मैंने सोचा। एनीवे टेल मी व्हाई डू यू थिंक आई शुड कंसीडर यू? Because बोल लेना क्या टक गया मुँह में, बोलो। because I am hardworking, I am honest, and I think I have all the skills required for the job. यही था, यही है। भाई मुझसे पूछिए तो आपका लड़का नहायत ही शरीफ और संस्कारी है। आजकल तो ऐसे लड़के सिर्फ अगरबत्ती के पोस्टर पर ही मिलते हैं। चाचू लगता है आज तो घोड़ी चढ़ी जाओगे आप। बेटा शादी से पहले न चढ़ने दे, ये लोग पुरानी सोच के लग रहे हैं। ये लगे हैं तो दहेज की बात भी छेड़ ही देता हूँ। तो भाई साहब फिर तो आगे की बात फिर कर ही लेते। एक्सक्यूज मी, हेलो जी, एडवोकेट रविंद्र सिंह। क्या लड़की दहेज पीड़ित है? आप टेंशन मत लीजिए, आईपीसी की धारा 498A ऐसी ठोकूंगा कि सारा परिवार पूरी जिंदगी तिहाड़ जेल में पत्थर तोड़ेगा। आप कल तीसरी कोर्ट आइए मेरे चैम्बर में, मिलता हूँ आपसे। हाँ जी आप कुछ? भाई साहब वो मैं कह रहा था कि आप लड़का लड़की राजी है तो फिर आगे की कार्रवाई भी मतलब वो रीति रिवाज भी बढ़ा लेते ना आगे। वैसे तो हमारी कोई डिमांड नहीं, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे हम, है ना? घर में ही शेर बना करो तुम। हाँ हाँ मतलब करेंगे रीति रिवाज से बात भी। अरे इतनी जल्दी वापस आ गई? हाँ यार वो एक्चुअली मेरे पहुंचने से पहले मेरा पेशेंट ऑफ हो गया, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट एनी टाइम से पहुंच जाऊं। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, नमस्ते भाभी। ये हमारी छोटी बेटी। हाय श्रुति। क्या हुआ बेटा?
कुछ नहीं आंटी जी, वो न्यूज में बता रहे थे ना, वो फोर्थ वेव कभी भी आ सकती है, तो सही रहता है। आप सब लगा लो, आप सब भी लगा लो। अरे बेटा, हम लोगों ने दोनों डोजेज लगवा रखी है, आप कंफर्टेबल हो। नहीं नहीं आंटी, वो मैंने तो कोविशील्ड लगा रखी है ना, तो मैं कंफर्टेबल, मैं बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। मम्मी मम्मी एक काम करो, पापा उठो चलो, बाकी बातें ना वीडियो कॉल पे कर लेंगे, चलो उठो 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 उठो। अरे बेटा थोड़ी गपशप तो मार लो। अरे अब यहाँ गप्पे शप्पे मारते रह जाओ कि कुछ नहीं हो, चुप चलो, बाद में रास्ते बताता हूँ। अरे श्रुति पहचान है बेंचो, सैंडी सैंडी बारहवीं में थे, तेरी मैथ की किताब चुरा के भेजी थी बेंचो, पूरे स्कूल में रोती फिरी थी तू, पहचाना नहीं? इसको तो पहचान लिया होगा, ये चाटा चाटा गल पे चाटा मारा था, याद आया? शाकेश हाँ आप पहचानी तो हैं जी। बचपन।